Shahrukh Khan receive the... Mr. Shahrukh Khan. The King of Bollywood has a fan base estimated to exceed 1 billion people. मिस्टर शाहरुख खान, जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने इतिहास लिख दिया है और जवान और पठान के एक्शन सीक्वेंसेस को इंटरनेशनल विचुअल अवार्ड में नॉमिनीज किया गया है और शाहरुख खान ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि उनसे बड़ा कोई भी एक्टर दुनिया में नहीं है। और सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर पठान में जो एक्शन सीक्वेंसेस बनाए थे, जो फाइटर सीन्स बनाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। मिशन इम्पॉसिबल से भी ज्यादा अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस बनाए थे पठान के अंदर। उसी के साथ जवान के अंदर डायरेक्टर एटली कुमार ने जो ट्रेन सीक्वेंस बनाया था उसको भी नॉमिनीज किया गया है। और लास्ट में जो पठान के साथ जवान में जो जेट के साथ जॉन इब्राहिम के पीछे शाहरुख खान भागते हैं वो जो सीन है उसको भी नॉमिनीज किया गया है। यानी कि इंडिया की सबसे बहुत बड़ी मूवीज जवान और पठान को इंटरनेशनल अवार्ड्स के अंदर नॉमिनीज मिल चुका है और शाहरुख खान ने ये प्रूव कर दिया है कि एक्शन हीरो की दुनिया में शाहरुख खान से बहुत बड़ा एक्टर और कोई नहीं है। और शाहरुख खान इंडिया का नाम रोशन करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। एक टाइम था जब बॉलीवुड की डूबती उस नैया को बचाने के लिए किंग खान को आना पड़ा और ये एंट्री मारी पठान के साथ, सिद्धार्थ आनंद के साथ। और जब पठान रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हो गया। उसके बाद डायरेक्टर एटली कुमार के साथ जवान को रिलीज करके एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसको ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया, चाहे वो किसान वाला सीन हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस वाला सीन हो, चाहे वो ट्रेन का एक्शन हो, हर एक सीन ने लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया। और यही रीजन है कि आज शाहरुख खान को उन्हीं दोनों मूवीज की वजह से बहुत बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है और इंडिया का एक बार फिर से नाम रोशन करने के लिए शाहरुख खान ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। आपको लगता है कि अब शाहरुख खान रुकेंगे, लेकिन नहीं, अब तो धूम 4 की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद के साथ शाहरुख खान एक और तीसरी एक्शन मूवी बनाने वाले हैं जिसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर शूट किया जाने वाला है, जिसकी बजट 300 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब शाहरुख खान कहीं नहीं रुकेंगे और एक बार फिर से एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। धूम 4 के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया एक्शन सिद्धार्थ आनंद बनाने वाले हैं। फाइटर मूवी के बाद धूम 4 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, ऐसी बातें हो रही है। और अगर धूम 4 सिद्धार्थ आनंद ने बहुत बड़े स्केल के ऊपर बना दी तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन के मामले में सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से शाहरुख खान हमें एक्शन करते हुए नजर आएंगे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर वही रिकॉर्ड्स की धजियां उड़ाएगी जो कि जवान और पठान ने उड़ाए हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, शाहरुख खान के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं इसको देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और एक बात, आप यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जितने आप वीडियो को लाइक करोगे इतनी ज्यादा हमारी वीडियोस वायरल होगी, इतनी ज्यादा शाहरुख खान को सपोर्ट मिलेगी। और हमारा चैनल FFU सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर शाहरुख खान की आने वाली हर एक मूवी की अपडेट आपको मिलती रहती है और आपको पता लगता रहता है कि शाहरुख खान कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने का पावर रखते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बता दो कि भाई अगर कोई बादशाह का सबसे बड़ा रूप है तो वो है शाहरुख खान, जिनसे टकराना किसी के बस की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।